assalamu alaikum grade 5 i hope that you are doing great i am your maths teacher varda students we were doing chapter number 9 information handling we are done with question number 1 now we are about to start with question number 2 let's move towards the board question number 2 state whether the following are true and false स्टूडेंट्स अब हम इन स्टेटमेंट्स को रीड आउट करेंगे और फिगर आउट करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स ए पार्ट क्या है हमारे पास बार ग्राफ्स हैव स्पेस बिटवीन द बार ये स्टूडेंट्स यू कैन रिकॉल द प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने बार ग्राफ को स्टडी किया था और हमने उसको अंडरस्टैंड किया था और हमने उनको ड्रॉ भी किया था वॉट वी हैव फिगर आउट कि जब हम बार ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं तो हर बार के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू

हमारे पास सी पार्ट में क्या है वर्टिकल बार ग्राफ कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड हॉरिजोनटली ये स्टूडेंट्स अगर आप हाँ रिकॉल करेंगे हमने इस ग्राफ को भी स्टडी किया था एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड दैट के जो वर्टिकली बार ग्राफ है हम इसको हॉरिजोंटली भी ड्रॉ कर सकते हैं विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट नाउ इन डी पार्ट टाइटल ऑफ द ग्राफ मीन्स यूनिट टेकन ऑन हॉरिजोंटल एक्सेस एग्जैक्टली अगर आपको याद होगा हमने ग्राफ के कॉम्पोनेंट्स को स्टडी किया था और उसको हमने काफी डिटेल में स्टडी किया था वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट टाइटल टाइटल ऑफ अ ग्राफ मीन्स वॉट टाइटल एक चीज होती है जिससे आपको पता चलता है कि ये ग्राफ किसके बारे में है डू यू थिंक दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू टाइटल ऑफ द ग्राफ मीन्स यूनिट टेकन ऑन हॉरिजोंटल एक्सेस जब आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसके एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस भी होते हैं

जो आपके पास इंफॉर्मेशन एक्स एक्सेस पे गिवन होती है हम उसे लेबल्स ही कहते हैं सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू सो स्टूडेंट्स वी आर डन विद ट्रू एंड फॉल्स लेट्स नंबर थ्री हमारे पास क्या है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू रीड आउट क्वेश्चन एंड देन वी आर गोइंग टू पिक अप विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन लेट सी ए पार्ट में है अ रिकॉर्ड ऑफ द टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इज गिवन इन द बार ग्राफ बिलो नाउ अब आपके सामने एक बार ग्राफ इसमें हमें टेम्परेचर दिया गया है मंडे से फ्राइडे तक का लाइक यू कैन सी ओवर है मंडे से फ्राइडे तक और वाई एक्सेस पे हमारे पास टेम्परेचर है जो कि है डिग्री फेरन में अब हमें इससे क्या पता चलेगा टू फिगर आउट कि मंडे में हमारे पास कितना टेम्परेचर था Monday, mein, if you are going to see, the temperature is in between 20 and 30. So, it is 25 degree Fahrenheit. Tuesday, ko, if you are going to see, it is 30 degree Fahrenheit. And Wednesday, if you are going to it is in between 30 and 40. So, it is 35 degree Fahrenheit. Thursday, mein, it is again 30. Or Friday, mein, you can see, it is in between 30 and 40. So, this is 35 degree Fahrenheit. If I'm going to ask you, कौन से ऐसे दो डेज है जिसमें टेम्परेचर सेम है सो यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज ट्यूजडे एंड थर्सडे एंडस्डे एंड फ्राइडे नाउ लेट्स क्वेश्चन इज बीन आस्ड फॉर दिस एक्टिविटी सो लेट्स मूव टूवर्ड दोर्ड सो स्टूडेंट्स वी वर डूइंग ए पार्ट ए पार्ट में हमने एक ग्राफ को देखा जिसमें हमारे पास टेम्परेचर गिवन था मंडे से फ्राइडे तक का अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है बाय हाउ मेनी डिग्री इज द टेम्परेचर ऑन मंडे लेस देन ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कॉम्प्रीहेंड क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ मेनी डिग्रीज इज द टेम्परेचर ऑन मंडे इज लेस देन द देशर ऑन वेनसडे कितना टेम्परेचर कम था मंडे का वेन्स्डे की निस्बत तो हमारे पास मंडे को क्या टेम्परेचर था इट इज ट्वेंटी फाइव और वेस्डे को क्या टेम्परेचर है 35 तो हम क्या करेंगे कितना कम था वी आर गोइंग टू 35 ऑप्शन यस इट इज दिस इज ऑप्शन 10 डिग्री हाइट सो स्टूडेंट्स हमारे पास बी पार्ट क्या है यू कैन सी ओवर हियर बी पार्ट में हमारे पास एक बार ग्राफ गिवन है और ये जो ग्राफ है इट इज रिलेटेड टू दी कार्स अब इसमें हमें क्या बताया गया है डिफरेंट कार्स हैं वो यहां लिखी गई हैं दिस इज रिटर्न ऑन द एक्स एक्सेस और ये जो चीज है ये हमें बता रही है किलोमीटर के हर कार ने कितना किलोमीटर ट्रेवल किया है लाइक यू कैन सी ब्लू कार हैज कवर्ड फाइव किलोमीटर व्हाइट कार हैज कवर्ड टेन किलोमीटर ब्लैक कार हैज कवर्ड फिफ्टीन किलोमीटर अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल थ्री कार्स एग्जैक्टली टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑल थ्री कार्स तो कितना टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू ने कितना किया है इट इज फाइव किलोमीटर व्हाइट ने टेन किलोमीटर ब्लैक ने फिफ्टीन किलोमीटर सो टोटल में हम क्या करेंगे हम इन सब को एड कर देंगे एंड वॉट आर वी गोइंग टू गेट फाइव प्लस टेन विल गिव मी फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन विल गिव मी

इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगस्त में कितनी रेनफॉल हुई है इट इज 40 मिलीमीटर mm. सितंबर में कितनी हुई है इट इज 30 मिलीमीटर mm. और हमारे पास नवंबर में हुई है इट इज इन बिटवीन जीरो एंड टेन दैट इज फाइव मिलीमीटर और दिसंबर में हमारे पास कितनी हुई है ट्वेंटी मिलीमीटर चिल्ड्रन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप ग्राफ वाले क्वेश्चंस करते हैं जो भी इनकी वैल्यूज होती हैं आप उनको पहले लिख लिया करें दिस विल हेल्प यू आउट इन आंसरिंग दी क्वेश्चन अब इससे क्या हो गया मुझे आइडिया हो जाएगा कि किस मंथ में कितनी रेनफॉल हुई है देन इट विल बी फॉर मी टू आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन अब हम इसका रीड आउट करते हैं लेट्स मूव टूवर्ड बोर्ड सो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है द रेनफॉल इन दिसंबर इज वॉट इज इट डबल ऑफ नवंबर इज इट हाफ ऑफ ऑगस्ट इज इट मोर देन सेप्टेंबर इज इट इक्वल टू सेप्टें एग्जैक्टली हम हर ऑप्शन को देखेंगे विद्पऑफ है December. December में कितनी रेनफॉल है ऑप्शन mm. क्या है फर्स्ट ऑप्शन है क्या जो डिसंबर की रेनफॉल है इज इट डबल ऑफ नवंबर क्या वो नवंबर के डबल है सो दिस इज द रोंग ऑप्शन फिर उसके बाद हमारे पास है इज इट हाफ ऑफ ऑगस्ट हमारे पास जो दिसंबर में आई है रेनफॉल इट इज 20 मिलीमीटर mm. और हमारे पास अगस्त में कितनी है इट इज 40 मिलीमीटर सो दैट मींस के जो दिसंबर की रेनफॉल है इज इट हाफ ऑफ दी का हाफ क्या है 40 का हाफ इज 20 सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन सो द करेक्ट ऑप्शन इज हाफ ऑफ ऑगस्ट नाउ डी पार्ट

एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपके सामने एक बार चार्ट ड्रॉ किया गया है जिसमें एक्स एक्सिस पे आपके पास है सिटीज और वाई एक्सिस में आपके पास है नंबर ऑफ पीपल अब इससे हमें क्या पता चलता है एक्चुअली ये जो ग्राफ है इसमें बताया गया है कितने लोगों को कौन से सिटीज पसंद है कराची इज लाइक्ड बाय हाउ मैनी पीपल थर्टी पीपल इस्लामाबाद इज लाइक्ड बाय ट्वेंटी फाइव पीपल लाहौर इज लाइक्ड बाय 35 people you can see it is in between 30 and 40 Koita is liked by 20 people now with the help of this we can answer the following question first kya hai hamare paas how many people like islamabad you can just see the bar of islamabad kitne logon ko islamabad pasand hai you can write over here 25 people very good b part kya hai हाउ मेनी पीपल लाइक लाहौर कितने लोगों को लाहौर पसंद है इट इज थर्टी फाइव पीपल सी पार्ट क्या है विच इज द मोस्ट लाइक सिटी अब आपको कैसे आइडिया होगा कि कौन सी सिटी सबसे ज्यादा पसंद की गई है जिस सिटी का जो बारग्राफ है वो सबसे ऊपर होगा दैट विल बी पिकड अप एज द मोस्ट फेवरेट वन सो किस का है इट इज लाहौर आई एम गोइंग टू नेम द सिटी ऑवर हि च इज द मोस्ट लाइक सिटी इट इज लाहौर टोटल नंबर ऑफ पीपल हुबाद नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्वेश्चन में कह रहा है हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल चाहिए जिनको कराची और इस्लामाबाद पसंद है कराची को कितने लोगों ने वोट किया है दैट इज थर्टी और इस्लामाबाद को कितने लोगों ने वोट किया है इट्स ट्वेंटी फाइव इफ यू आर गोइंग टू एडम टूगेदर यू आर गोइंग टू गेट फिफ्टी फाइव पीपल एग्जैक्टली अब हमारे पास ई पार्ट क्या है टोटल नंबर ऑफ पीपल सर्वेड इसका मतलब है कि कितने लोग थे इस सर्वे में सो लेट्स सी दैट वी आर गोइंग टू एड ऑल द पीपल एंड वी आर गोइंग टू गेट आंसर हाउ बिकॉज आई डोंट हैवे स्पेस ओवर हियर आई एम गोइंग टू राइट ऑन द टॉप इट्स थर्टी फॉर कराची थर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव फॉर इस्लामाबाद थर्टी फाइव फॉर लाहौर एंड ट्वेंटी फॉर कोयटा If you are going to add them together, you are going to get 110 people. So, this is the answer for this question. So, students, I hope that you enjoyed interpreting the graph. Keep practicing maths. Take care. Allah Hafiz.